लगभग एक महीने तक जेल में बंद रहने के बाद बीते बुधवार को रिया चक्रवर्ती को कोर्ट से राहत मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रग्स नेक्सस के आरोपों में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत दे दी। वो पिछले 28 दिनों से मुंबई के बायोकुला जेल में अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ बंद थी और हालांकि उनके भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज हो गई है, लेकिन अब जेल में रहने के दौरान उनसे जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। मीडिया खबरों की माने तो रिया चक्रवर्ती जेल में कैदियों को योगा सिखाती थी। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक रिया के वकील सतीश मानशिंडे ने ऐसा दावा किया है और उन्होंने ये कहा है, जब वो रिया से मिलने जेल में गए तो रिया अच्छा काम कर रही थी। रिया जेल में खुद तो योगा करती ही थी, अपने साथ में कैदियों को भी योगा करवाती थी। कोरोना महामारी के कारण रिया को घर का खाना नहीं मिल सका और इस कारण वो कैदियों के साथ एक सामान्य कैदी की तरह रही। वहीं रिया को बेल मिलने पर सतीश मानशिंडे ने कहा, माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के रिया चक्रवर्ती को बेल देने के निर्णय से हम खुश हैं, सत्य और न्याय की जीत हुई। आखिरकार फैक्ट्स और नियमों पर आधारित सबूतों को जस्टिस सारंगवीर कोतवाल ने स्वीकार किया। रिया की गिरफ्तारी और हिरासत पूर्ण रूप से अनुचित और कानूनी नियमों से परे थी। तो आपको बताते चले कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दी है। उन्हें 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर बेल मिली है और साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी एनसीबी के पास जमा करवाने के लिए कहा गया है। रिया को अगले 6 महीने तक कम से कम एक बार हर महीने के पहले सोमवार को सुबह तकरीबन 10 बजे से लेकर 11 बजे एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी और जबकि अगले 10 दिनों तक रिया को अपने नजदीकी पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा गया है।